भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी जी आज पहुंचे हैं पालम 360 खाप के पूर्व प्रधान स्वर्गीय चौधरी रामकिरण सोलंकी जी की श्रद्धांजलि सभा में। आइए बात करते हैं, क्या कहेंगे सांसद जी? समाज की विशेष रूप से बहुत बड़ी क्षति है रामकिरण जी का जाना। कोरोना काल में वो उनकी गोद में परमात्मा जी में चले गए, लेकिन इससे बड़ा सौभाग्य तो उनके बेटे ने सुरेंद्र जी ने इस जिम्मेवारी को टेक ओवर करने के लिए एक्सेप्टेंस दी है। इतना आसान काम नहीं है। हमारे भारत की, हमारी संस्कृति की यही पहचान रही है कि आंखों की शर्म और छोटे मोटे किसी भी प्रकार के मनमुटाव या जिस प्रकार से जंगल के अंदर जंगल आग में बड़ी मछली छोटी को खाती है, इस प्रकार की मानसिकता के कुछ लोग अगर समाज में रहने हों उनको बैलेंस करने के लिए इस प्रकार की सकल पंचायतें और हमारी संस्कृति को कायम रखने के लिए ये समय समय पर काम करती हैं। इस काम को करने के लिए वो अपना योगदान देते हैं, समय भी देते हैं, अपनी जेब का पैसा भी खर्च करते हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं है और इसी संस्कृति को दुनिया ने एक्सेप्ट किया था, भारत की संस्कृति को। समय के कारण, समय की ऐसी विडंबना रही कि मुगल आए, फिर अंग्रेज आए और हमें बांट दिया जातियों के आधार पर, इसके आधार पर। और मैं पहले जब देखे तो इसमें सभी समाज के वर्ग, सभी जातियों के सभी लोग होते थे और एक दूसरे की शर्म करके बात मानते थे। आज पश्चिमी सभ्यता में हम लोग विलुप्त होते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन उसको कायम करने के लिए इस खाप पंचायत ने यहाँ पर एक व्यवस्था की है, सुरेंद्र जी को जिम्मेवारी दी है। सुरेंद्र जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिस प्रकार से रामकिरण जी बखूबी ईमानदारी के साथ में समाज के उत्थान के लिए अपना समय लगाया था, सुरेंद्र भी ऐसे ही समय लगाएंगे, ये उम्मीद है हम सभी। जी धन्यवाद।